एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बाजार में मिलने वाले गोटे मोती को, जो कि बिना मोती से बनाएंगे और बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया है फॉइल पेपर, जो कि हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो फॉइल पेपर का थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे, आप चाहें तो पुराना फॉइल भी यूज किया हुआ फॉइल भी यूज कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें, उसके बाद उसे यूज कर लें। तो हम दोनों तरह की मोती बनाएंगे, लंबी और गोल। तो लंबी वाली मोती बनाने के लिए हम इसे इस तरह से चपटा चपटा फ्लैट में इसे फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसे रोल करने के लिए हम आप इसकी जगह पेंसिल, ब्रश या फिर कोई पतला सा रड हो उसे भी यूज कर सकते हैं। बस इसे बहुत ही टाइट इसके ऊपर लपेटना है, रोल करते जाएंगे हम। जितनी मोटी आपको मोती बनानी हो उस हिसाब से हम फॉइल पेपर यूज करेंगे और काफ़ी टाइट इसे लपेटेंगे। और अब हम एक फ्रेश अगेन एक पतला सा फ्रेश फॉइल ले लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर लपेटेंगे। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम थंब की हेल्प से धीरे धीरे नीचे करेंगे, ताकि जो फॉइल हमने रोल किया था वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए, खुले ना। तो इस तरह से हम दोनों साइड से थंब की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से दबा देंगे। ब्रश पर भी ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस आप मोटी वाली ब्रश यूज़ कर लें और आसानी से इस पर रोल हो जाता है। और बस हमारी लंबी वाली मोती बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फटाफट से अब हम गोल मोती बना लेते हैं। गोल मोती बनाने के लिए भी मैंने फॉइल पेपर यूज किया और उसे इस तरह से हम रोल कर लेंगे। और इसे भी इस गोल गोल करके ही गोल मोती की तरह हम इसे फॉइल के ऊपर रोल करेंगे और अगेन हम इसके ऊपर प्लेन फॉइल ले लेंगे और बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ हम इसे भी बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ गोल मोती भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर फटाफट से गोटा लगा लेते हैं। बस हमारी गोटेदार मोती बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप इसे किसी भी क्राफ्ट में ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।